हाय एवरीवन कैसे हो वेलकम टू किताबी कैबिन बहुत टाइम बाद मैं इतने क्रॉ फॉर्मेट में वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही दिल के करीब वीडियो है कि आप पता किसी को ये अफेक्ट कर जाए क्योंकि मैं इसमें ऐसी कुछ चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत स्पेशल है एंड दैट इज़ द जेनेसिस ऑफ आर स्टार्टिंग चैनल्स लाइक चलचित्र टॉक्स किताबी कैबिस कि हमने अगर कुछ स्पेशल फील किया तो हम बाकी लोगों को वो बताना चाहते हैं एंड इन दैट प्रोसेस शायद आप भी कुछ स्पेशल फ़ील करो सो so, इस वीडियो में आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग एंड दिस इज़ समथिंग आई एक्सपीरियंसड व्हेन आई वॉज इन कॉलेज एंड मैं कॉलेज में बहुत कन्फर्मेशन बायस सीख करता था कि uh, जो चीज़ें मेरे को करनी है तो मैं देखता था यार ये और कौन कौन फेमस लोग करते हैं और जो मेरे को नहीं करना है वो मैं करता था कि यार ये कौन कौन नहीं करता है लाइक आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्मोक तो मैं गूगल सर्च करता था फेमस फिल्म मेकर डो नॉट स्मोक क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि नहीं यार फिल्म मेकर बनना है तो स्मोक करना ही पड़ेगा मैंने कहा कुछ तो होंगे ही देन आई वुड गूगल सर्च थिंग्स लाइक डज रिचर्ड लिंक लेटे स्मोक देन दैट वॉज द पॉइंट ऑफ टाइम थर्ड एंड फोर्थ ईयर मेरा कॉलेज हिमाचल में था शिमला के पास था इट वॉज अ वेरी मेडिटेटिव प्लेस एंड दिस वन फाइन डे आई डिसाइडेड आई नीड टू स्टार्ट मेडिटेटिंग एंड uh, उस टाइम के अराउंड मेरे को पता चला था डेविड लिंस ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन प्रैक्टिस करवाते हैं एंड लाइक ही हैज द सोल ऑर्गनाइजेशन जहाँ पे टी एम ट्रांसिडेंटल मेडिटेशन प्रैक्टिस कराई जाती है देन मेरी एक कॉलेज सीनियर होती थी एड ग्रेजुएटेड आई न्यू शी वॉज इन टू मेडिटेशन आई टोल्ड की आई थिंक आव डिसाइडेड टू गेट इंटू मेडिटेशन एंड शी गॉट वेरी हैप्पी शी ऑल्सो टोल्ड मी यू कैन ट्राई दिस यू कैन ट्राई दिस मैंने ने बताया मैंने एक्चुअली मेरा आज पहला मेडिटेशन सेशन कर लिया है एंड इट वॉज लाइक द लॉन्गेस्ट ट्वेंटी मिनट्स ऑफ माई लाइफ एंड वी लाफ्ट एंड हमने थोड़ी और बात की इसके बारे में एंड uh, उसके कुछ दिन बाद मैंने और मेडिटेशन करने की कोशिश की मैं बड़ा माहौल बना के करता था मैं कैंडल्स जला के करता था आई हैड अ सिंगल रूम मेरे साथ कोई नहीं रहता था देन आई वुड डू ऑल दोज थिंग्स मेरे को लगता था आई वॉज गेटिंग गुड एट मेडिटेशन बट मैं दो चार अलग अलग प्रैक्टिस का मिक्स करता था कि एक प्रैक्टिस होती थी जहाँ पे आपको लाइक दो लाइक रिसाइट करने होते थे सो हम सो मैं मैंने स्टार्ट वहाँ से किया था बट देन लाइक आई स्टार्टेड लाइक डूइंग समथिंग एल्स सो ये 2015 16 में जब मैंने ये मेडिटेशन स्टार्ट की थी मैंने स्टार्ट ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन से किया था यूट्यूब वीडियोज़ देख के बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि आई एक्चुअली डोंट लाइक फोकसिंग ऑन माई ब्रीदिंग वाइल मेडिटेटिंग एंड अगर एक टाइम के बाद मैं गाइडेड मेडिटेशन से भी परेशान होने लग जाता हूँ कि मेरे को हर आस्पेक्ट में मत बताऊँ मेरे को क्या करना है सो आई लाइक द आइडिया ऑफ गाइडेंस देयर बट अगेन आई डिड नॉट वॉन्ट लाइक टू बी हैंड होल्ड थ्रू आउट मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की थी इट्स वेरी 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 पर्सनल और अब मेरे को जाके कॉन्फिडेंस आया है इसको शेयर करने का क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि जब मैं मेडिटेट करता था वैन आई वॉज डूइंग इट ऑन माई ओन वेन आई वॉज इंट क्योंकि जब मैं ऐसे ये गाइडेड मेडिटेशन चालू करता था एक टाइम के बाद ना मैं मैं जब जोन में लगता था मैं ऑडियो ना ऐसे पकड़ के बंद कर देता था तो चुप हो जाओ मैं जा रहा हूँ जोन में देन वॉट वुड हैपन हैपीनेस विद माई क्लोज आइज़ आई वुड सी फ्लैश इन फ्रंट ऑफ माई आईज ऐसे कुछ ना कलर्ड क्लाउड्स वाइट फ्लैश वाइट लाइट्स दिखाई देने लगती थी लाइक वेरी फास्ट फ्लिकर्स ऑफ लाइट्स दिखाई देने लगते थे एंड आई यूज टू फील वेरी ग्रेट आफ्टर दैट एंड आई एम लाइक बढ़िया मैं किसी को एक्सप्लेन कैसे करूँ आई आई इट वॉज समथिंग दैट आई रियली रियली लाइक दैट वॉज द टाइम आई वॉज रियली पैशनेट अबाउट मेडिटेशन उसके बाद क्या हुआ मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया बॉम्बे शिफ्ट हो गया दो हज़ार सोलह सत्रह आई आई कंटिन्यू डूइंग दिस और मेरे को फ्लैशेस दिखते थे 20 मिनट की मेडिटेशन बट जैसे बॉम्बे शिफ्ट हुआ मेरे लिए मेडिटेट करना 20 20 मिनट के लिए मुश्किल होता जा रहा था बट आई न्यू की आई नो दिस थिंग और मेरे को इसका नाम नहीं पता था मेरे को पता नहीं था इवन इफ इट कैन इवन बी सेड इफ इट इज़ मेडिटेशन बट आई कैप डूइंग इट धीरे धीरे लाइफ गॉट इन द वे एंड मेरी प्रैक्टिस कम होती गई एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वॉज आई डेंट फील कॉन्फिडेंट दैट ये जो चीज़ मैंने डिस्कवर की है जहाँ पे मेरे को मैं ऐसे एक सुन वाली जो आवाज़ होती है ना जब आप लेक बिल्कुल शांत हो जाते तो एक सुन वाली जो एक वाइट नॉइज आती है मैं उस पर ध्यान देता था और मेरे को वाइट फ्लैशेस दिखाई देते थे तो मैंने एक दो बार लोगों को बोला होगा कि आई मेडिटेट लाइक दिस एंड मजाक उड़ जाता था एंड देन आई थिंक आपका वो अंदर का जो एक चाइल्ड uh, होता है उसको डर लग जाता है एंड देन यू आर लाइक नो मे बी यू आर नॉट मेडिटेटिंग दिस इज समथिंग जस्ट यू थिंग दैट मेडअप बट इट्स नॉटिटेशन प्रैक्टिस वो बहुत सीरियस चीज़ होती है सो so, ये जो भी है ये मेडिटेशन नहीं है देन मैंने हेड स्पेस ट्राई किया और क्योंकि आपको लगा कि यार ये कहीं इसमें कोई गाइडेंस नहीं है तो चलो यही सब कर लेते हैं मेरा फिर एक हेड स्पेस वाला फेज uh, आया पसंद आया हेड स्पेस बट लाइक इट नेवर टुक मी टू द प्लेस जो मैंने कॉलेज में एक्सपीरियंस किया था वहाँ तक देन uh, मेरा एक फेज़ आया जहाँ पे मैंने वेकिंग अप ऐप को ट्राई किया सैम हेरस वाला जोन आया उसको उसके बारे में भी मैंने चलचित्र में बात किया ग्रेट बट अगेन इट नेवर टुक मी टू द प्लेस जो मैंने कॉलेज में एक्सपीरियंस किया था देन देर वॉज अ फेज़ वैन आई स्टार्टड मेडिटेटिंग विद अ फ्रेंड लाइक वी वुड गेट ऑन अ कॉल एवरी डे जूम कॉल वीडियो जब लाइक कोविड हो गया था स्टार्ट तो हम दोनों साथ में बैठ के प्रैक्टिस करते थे हाँ तो फिर मेरा एक कार्ड टोल फेज आया था एक कार्ड टोल पावर ऑफ नाव के बाद उनकी मेडिटेशन प्रैक्टिस थी अगेन गाइडेड कहते थे इस पे ध्यान दो ये करो वो करो रिलैक्स करो ये एनर्जी यहाँ से यहाँ जा रही है उस पे ध्यान दो ठीक है वो भी था अच्छा फेस था एक कार्ड टोल मेरे को आज भी बहुत पसंद है बट इन टर्म्स ऑफ दोज टेन टू ट्वेंटी मिनट्स ऑफ फीलिंग फ्रेशनेस और फीलिंग ब्लिसफुल मैं कभी वहाँ तक नहीं पहुँचा जो मैंने कॉलेज में एक्सपीरियंस किया था एंड धीरे धीरे बाई ट्वेंटी एटीन ट्वेंटी बाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल ख़त्म हो गई क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था सही क्या है बहुत सारे गुरुज आ गए टीचर्स आ गए एंड आई डेंट नो कि सही क्या है क्योंकि मेरे को मेरे लिए कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था एंड देन देयर गेम अ पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं दो तीन महीने में एक बार चार महीने में एक बार मेडिटेट कर रहा हूँ देन अ मेंटर ऑफ माइंड रिकमेंडेड मी सेंट मी अ वीडियो ऑफ दांदा पानी उन्होंने दादा पानी का एक वीडियो भेजा था इट वॉज़ अबाउट मेडिटेशन मेरे को वीडियो बहुत सॉलिड लगा सो so, मेरे को लगा चलो एक और नए टीचर मिले वेयर ही टॉक्ड अबाउट कि मेडिटेशन इज़ कॉन्सेंट्रेशन तो मैं मेडिटेट करने के लिए पहले आपको कॉन्सेंट्रेट करना आना चाहिए बात मेरे को बड़ी सही लगी फिर मैंने उनके फंडे सुने बहुत प्यारे लगे एंड आई एम लाइक कि मैं लाइक आई विल डेडिकेट माई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री गोइंग डीपर इंटू दैट एंड लाइक गोइंग डीपर इंटू द फिलोसफीज ऑफ दांदा पानी गुड स्टफ़ uh, मैंने इतना भी डीप में नहीं गए हूँ बट जो वो एक वीडियो देखा था मेरे को अच्छा लगा बट उनकी भी एक मेडिटेशन प्रैक्टिस थी उस वीडियो में मैंने करी मैंने कहा अच्छी है बट लाइक अगेन आई फील गुड आई कैन डू दिस बट आई डोंट लाइक इट इट्स नॉट टेकिंग मी एनी वेयर एंड इट्स लाइक कि आपने एक वो होता है ना वो ब्रेकिंग <laughs> बैड में जैसे वो ब्लू मैथ होता है आपने वो ट्राई किया हुआ है सो यू नो वेयर यू कैन गो यू मेडिटेट और इन सेंस मैन मैंने आज तक जिस भी इंसान से वो चीज़ शेयर की थी दे नेवर रिलेटेड टू इट लाइक दैट दैन आई एम लाइक यू नो वो ऐसे कुछ मेरे को लगा होगा टू वीक्स बैक सुबह हो रही थी आई इवन रिमेंबर वे आर एवर स्टैंडिंग आई वॉज लाइक वेरी अर्ली मॉर्निंग आई डेंट गो टू प्ले इन द मॉर्निंग मैं टेनिस जब जाता हूँ मैंने क्लास स्किप की थी एंड um, मैंने गूगल सर्च किया आउट ऑफ द ब्लू मतलब इमेजिन लाइक दिस बहुत फिल्मी है ये बहुत ज़्यादा फिल्मी ओके आई गूगल सर्च मेडिटेशन मेडिटेटिंग ऑन यूजिंग वाइट नॉइस एंड द साउंड ऑफ साइलेंस तो मैंने आपको बताना मैं एक सुन सी जो आवाज़ आती है जब सब शांत हो जाता है मैं उस पर ध्यान दे के मेडिटेट करता था तो so, मैंने ऐसे गूगल सर्च किया कि मेडिटेटिंग ऑन द साउंड ऑफ साइलेंस तो मेरे को एक आर्टिकल मिला एंड uh, मैंने आर्टिकल पढ़ा एंड वहाँ uh, पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी थी जो मेरे को लगा वेट ओशट वेट ये सारी चीज़ें तो मेरे को पता है आई नो वॉट दिस गाइज टॉकिंग अबाउट क्या ओ ओके दिस आज अ टर्म ये सब तो मैं बच्चे कॉलेज पे करता था एंड देन आई रियलाइज द थिंग दैट आई यूज टू डू इन कॉलेज इज़ एन एक्चुअल प्रैक्टिस एक बहुत एंशंट प्रैक्टिस है जो की जाती है जो मैंने तुक्के में ढूंढ ली बिकॉज आई हैव अ वेरी ऑडियो एंड विजुअल माइंड एंड आई स्टार्टड डोइंग इट बट कभी मेरे को कोई कन्फर्मेशन बायस देने वाला नहीं मिला तो मैंने छोड़ दी बिकॉज लोगों के आप बातें सुनते हो तो आपको लगता है ये ही सही होंगे एंड जो मेरे दिल के सबसे गरीब चीज़ थी मैंने वो करना छोड़ दिया बट देन आई रियलाइज इट इज इट इज़ अ व वेरी लेजिटमेट थिंग एंड इट इज कॉल्ड नादा योगा सो नादा या नाडा लाइक आई वुड प्रनाउंस एज नाडा योगा तो मैंने नाडा योगा के बारे में और पढ़ना चालू किया नाडा योगा अब मेरे को एक कीवर्ड मिल गया एंड आई एम लाइक होली शट होली शर्ट होली शट दिस इज रियल दिस इज समथिंग अब मैं मैंने फिर Spotify पे एक दिन मैं बैठा था दिस इज़ सम अदर डे क्योंकि मैंने उस दिन पढ़ा मेरे को लगा इट्स एन एक्चुअल प्रैक्टिस मेरे को वापस करनी चाहिए देन उसके बाद दो दिन बाद मैं मेरे को Spotify पे मैंने नाडा योगा सर्च किया देन मेरे को एक एक ऐसे गाइडेड मेडिटेशन का नाडा योगा का वीडियो मिला दिस इज़ आई थिंक सेवन एट डेज़ बैक मैंने वो वीडियो चलाया मैंने प्ले किया सुबह के छः सात बजे थे इन बेड आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग ऑन दैट एंड वो एक जो द लेडी हु वॉज लाइक डूइंग द गाइडेड मेडिटेशन इन दैट वो सारी वो चीज़ें कर रही थी जो मैं इंट्यूटिवली कॉलेज में किया करता था बट मैंने डर के मारे या विध बिकॉज ऑफ़ नो कन्फर्मेशन करना छोड़ दिया कि फोकस कहाँ डालना है अब आपको ये दिखाई देगा अब आपको ये फील होगा ये चीज़ है एंड आई एम लाइक होली शेट आफ्टर इट्स लाइक द फीलिंग ऑफ कमिंग होम कि यू आर होम

एंड uh, कैसे बताऊँ यार ये मतलब ये कुछ कुछ होता है कभी कभी लाइफ में जो इतना ज़्यादा पोइटिक होता है कि यार लाइक कि मैं कैसे आपको कैसे फील कराऊँ कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया अभी पिछले एक हफ्ते में बिग कॉज अभी मैं ट्रैवल कर रहा था पिछले कुछ, कुछ दिन एंड आई वाज इन उदयपुर और मैं वहाँ एक बहुत अच्छी सी जगह पे था तो जहाँ सुबह सुबह मैं जाके ऐसे गार्डन में बैठा करता था एंड आई प्रैक्टिस नाडा योगा अगेन जो मैं पहले करता था 2014-15 में बट मैंने छोड़ दिया एंड वो मैंने वापस छः साल सात साल आठ साल बाद प्रैक्टिस किया एंड आई कुड गो देयर वेरी वेरी इजीली बिकॉज आता है मेरे को मैं बस मैंने छोड़ दिया था सो फॉर मी इट वॉज इन दैट डिफिकल्ट एंड आई फेल्ट आई फील्टोज फ्लैश अगेन एंड ऑल दोज थिंग्स अब मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ आई एम रीडिंग इट वेरी वेरी स्लोली एंड इट्स ब्यूटिफुल और जिन्होंने लाइक like, ये किताब लिखी है बर्ड हौसी इन्होंने साउंड साउंड में ही हैज़ बीन अ म्यूजिशियन इन पास्ट इन्होंने फिल्म्स में साउंड पे भी काम किया हुआ है so, सो इनको पता है कि ये साउंड को बहुत सीक्रेट चीज़ के जैसे देखते हैं सो ही अंडरस्टैंड वॉट साउंड कैन द रोल साउंड प्लेज इन द यूनिवर्स द रोल वाइब्रेशं प्ले इन द यूनिवर्स लाइक आई वुड लाइक टू टेल यू सम ऑफ द समाईट्स आई हैव इन दिस बुक ओके क्योंकि मैंने एक हाई लाइट इसमें जब पढ़ी थी ऐसा तो मैं घबरा गया था बिकॉज इट वॉज टू क्लोज टू द होम जैसे इसमें एक लाइन आई थी कि वेन ही स्टार्टेड डोइंग नाट अज कि मैं जब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है वॉट वार द ब्रिलियंट क्लाउड्स ऑफ कलर्ड लाइट आई हैड सीन और गायज मैं ये क्लाउड्स ऑफ कलर्ड लाइट्स ढूंढने के लिए वट वॉज द इलेक्ट्रिक करंट दैट शॉट फ्रॉम बेस ऑफ माई स्पाइन टू द टॉप ऑफ माई हेड फीलिंग मी विथ ब्लेस मैं इस कलर्ड लाइट को ढूंढने के लिए वो वाइट फ्लैशेज स्ट्रोबिंग लाइट को ढूंढने के लिए सात साल आठ साल लग गए मेरे को वहाँ पे टू गेट बैक टू इट एंड इट ऑल्सो सेस सो मच अबाउट लाइक हाउ हाउ वी आर एज ह्यूमन बींग्स नो क्योंकि मैं तीन चार जगह इसके बारे में बोला होगा और मेरे को लगा कि यार नहीं ये तो वर्क नहीं कर रहा लोग लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं इट्स लाइक आप लोगों ने देखा होगा मैं कभी कभी गेस्ट से एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ अबाउट लाइक हाउ आई रीड बुक्स वेर आई चेंज द इनवायरमेंट एंड स्टफ एंड आई रियली रियली आस दोज क्वेश्चन एंड समटाइम्स गेस्ट डोंट रिलेट टू इट बट आई आस्क इट बिकॉज इट्स अ थिंग विच इज समथिंग जो मेरे को लगता है अगर मेरे को एक भी इंसान ऐसा मिल गया ना जो ये करता हुआ तो देन आई एल बी होम सो नाडा योगा इज अ द प्रैक्टिस ऑफ नाडा योगा ये किताब मैं अभी पढ़ रहा हूँ एंड आई एम रीडिंग इट लाइक वेरी वेरी स्लोली क्योंकि इसमें साथ में बताया कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू प्रैक्टिस ना डयोग वाइल रीडिंग इट क्योंकि इट्स नाइंटी नाइन परसेंट प्रैक्टिस वन परसेंट टेक्स्ट एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि ये किताब तो पढ़ी लो अगेन आई डोंट नो हाउ मच यूल रिलेट टू इट बट इट्स अ वेरी वेरी पर्सनल वीडियो मतलब अगर uh, इस पर सॉफ्ट व्यूज भी आते हैं तो भी आई एल बी ओके बिकॉज बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि कभी कभी हम कुछ करना बंद कर देते हैं बिकॉज we get इनडिफरेंस वी गेट दैट like सम रिमार्क्स वी गेट लाइक ओ bak ये क्या बक, 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 ये क्या बकवास कर रहे हो remarks, non remarks indifference इनडिफरेंस uh, sly remarks हर चीज़ की वजह से कभी कभी हमारा ये जो inner child hai वो दबता जाता है and we stop doing something जो हमें actually पसंद था एंड uh, यार मैंने सात साल पहले क्रैक कर लिया था एक लेवल पे ये चीज़ कैसे करते हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल नॉट अराउंड मी रिलेटिंग टू इट आई जस्ट स्टॉप डूइंग इट एंड नाउ आफ्टर ऑल दीज ईयर्स आई फील आई जस्ट फील सो गुड कि इट इज़ एक्ट इन एक्चुअल प्रैक्टिस एंड आई थिंग लाइक दिस एग्जिस्ट्स सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को कि आई फाउंड दिस थिंग एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस इट ऑल्सो काइंड ऑफ सजेस्ट कि जो आप उल्टी सीधी चीज़ें गूगल करना चाहते हो समटाइम्स दे वुड मेक सेंस इफ यू गो इन टू द राइट रेबिट होल्स बिकॉज साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में मैं पहले भी गूगल सजेस्ट करता था बट तब मैं नाडा योगा पे आई वॉज इन ट्रीडायरेक्टेड टू इट बट नाउ आई हैव बीन एंड इट्स जस्ट लाइक अ काइंड ऑफ ब्यूटी जो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता बट इट एग्जिस्ट एंड बस वो ये यार कि कभी इतना किसी की बातों में मत आ जाना कि अगर आपने कुछ आपके लिए कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी या कोई प्रोसेस काम कर रही है तो वो बंद कर दी बिकॉज नाउ आई डोंट फील गिल्टी बिकॉज गी यार आई डोंट फील रिग्रेट कि मैंने पाँच साल क्यों नहीं किया आई जस्ट फील हैप्पी आई जस्ट डिस्कवर्ड अभी भी मैं छोटा ही हूँ अभी भी आई थिंक सिक्सटी सेवेंटी परसेंट लाइफ एफ आई ईट प्रॉपरली एंड लिव प्रॉपरली आई स्टिल हैव अ लॉन्ग लाइफ टू लिव So yeah, I'll take it seriously. I'll take myself more seriously, and I'll request you to do the same. And uh, you might not relate it relate to this book at all, but for me, the book recommendation is just one part of this video. The bigger part is, but love don't lose courage so easily if you think something or some process is working for you. Be very, very uh, unapologetic about it. एंड यू विल फाइंड द राइट गाइडेंस फॉर इट एंड आई फील कि अभी तो अब मैं अट्ठाईस का हो गया हूँ तो अट्ठाईस की एज में नाउ दैट आई एम बैक विद नाडा योगा आई थिंक आई विल भी एबल टू हैंडल एंड रिस्पेक्टेड मोर एंड आई लाइक ट्रीट इट विद मोर ग्रेस एंड डिग्निटी एंड आई प्रैक्टिस इट लाइक दैट सो येस ये था आज का एक बहुत ही पर्सनल वीडियो बहुत टाइम बाद बनाया आई होप रिकॉर्डिंग ढंग से हो गई हो अठारह मिनट का वीडियो कट होके छोटा हो जाएगा बट या डू टेल मी इन कॉमेंट्स एंड ऑल्सो कि अगर कोई चीज़ इसमें इनएक्यूरेट uh, है तो आई एम सॉरी क्योंकि अगर आप लोग योगा एंड लिंग मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है आपको लगे कि ये सही नहीं है बट अगेन द पॉइंट इज आई वुड लाइक टू नो कि आपने ऐसी क्या चीज़ एक्सपीरियंस की है जो आपको लगा कि दिस इज़ वेरी वेरी यूनिक ये मेरे लिए वर्क किया बाकियों के लिए नहीं करता बट इट रियली वर्क फॉर मी सो so कॉमेंट्स में बताओ एंड या सब्सक्राइब टू किताबी कैबिंस वी जस्ट हिट एट थाउजेंड सब्सक्राइबर्स सो हो सकता है मैं ये वीडियो कभी चलचित्र टॉक्स पर डाल ही नहीं पाता बट किताबी कैबिन पर डाल रहा हूँ सो so, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो और ऐसा कॉन्टेंट डालेंगे ठीक है चलो एल सी यू गैस